उपनयन के क्षेत्र का, तो बड़ा महत्व इस पेड़ी का हमेशा से रहा है। वो किसान आंदोलन रहे हो या दूसरे तरीके के कोई भी मूवमेंट रहे हो, तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे रहा है, तो सभी का धन्यवाद है। और ये जो मामला चल रहा है, खास करके दिल्ली में जो चल रहा है आजकल, जो भारत सरकार 3 कानून लेकर आई, उसके लिए पिछले 8 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश के। वे यहां से गए दिल्ली के बोर्ड रोड पे या नहीं गए, वे फिजिकल रूप से वहां पे थे है या नहीं है, माने उसके नहीं है, माने ये है कि वे वैचारिक रूप से उस आंदोलन के साथ में है। पूरा देश का किसान साथ में है, पूरा देश का नौजवान साथ में, महिलाएं मजदूर, क्योंकि उससे किस किस तरह की बर्बादी होगी वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। और भारत सरकार के कानून वापसी नहीं होंगे, बातचीत कर लो, जब जज केस की वकालत खुद करने लगेगा तो सजा तो निश्चित है। यही हाल इन कानून में है कि सरकार, बहुत लोग होंगे यहां पे भी जिनने बीजेपी को वोट दिया होगा, बहुत आदमी है, उनकी भी कोई गलती नहीं, उनकी कोई खता नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी किसी ने छीन ली, हताश है वे भी, जो उनके बड़े लीडर थे वे बंद कर दिए मकान के अंदर, पुलिस बाहर बैठी, वे बोल नहीं सकते, वे एक आधा कोई लिखड़े तो बड़बड़ाता है बस, और कुछ भी उनके हाथ में, क्योंकि जब किसी की बड़ा बड़ा घर छिन जाता है तो गुस्सा तो उसको आवे, लेकिन भाई हमारे पे क्यों उतर रहे, आप गुस्सा उनको उतारो जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। हमारी लड़ाई तो भारत सरकार से है, और भारत सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। वहां पे अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात कर लेती, क्योंकि पार्टी के तो लोग अपनी पार्टी को नीचे से बना कर जाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। पार्टी तो मोदी सरकार है, सबको पता है, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, तो ये देश चला रही है कंपनियां, बड़े जो घराने हैं वे इस देश को चला रहे हैं आज, उन्हीं से ही हमारी लड़ाई है। ये जो गोदाम है, के गोदाम आप देखोगे, ये सब गोदाम चले गए, हो सकता है कि शहर के बीच में ये गोदाम अभी ना टूटे, लेकिन पूरे गोदाम अडानी को और अंबानी को चले गए हैं जो एफसीआई के हैं। ये आपको बार बार से दिख जाएंगे, अंदर इनमें निर्माण हो जाएगा, उनके बड़े बड़े नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके अब इसमें गोदाम बड़े बनेंगे। बहुत लोग कहते हैं जी एमएसपी थी है और रहेगी, हमने भी कहा वे सरकार थी नहीं है और नहीं रहेगी, हम भी तो यही कह रहे हैं, सरकार पहले भी नहीं थी, अब है ना क्या नहीं रहेगी, हमने क्या उनका गलत कह दिया, हमारा किसी का धान नहीं बिक रहा। आप अगर देखोगे तो जो सस्ते में धान खरीद होती है, बिहार में 800 रुपये क्विंटल में धान, मक्का 800 से 900 रुपया, बाजा 1000 से 1100 रुपये, 1100 रुपया, गेहूं 1200 से 1400 रुपया, ये हाल है, सस्ते में खरीदते हैं एफसीआई के अधिकारी, और जो बड़ा व्यापारी है इनके लिए काम करता है वो खरीद के एफसीआई में उसमें इनमें देता है, तभी तो कहते हैं कि इतनी खरीद कर दी हमने, भाई दूसरी कौन करेगा खरीद। हमने कहा कि जब एमएसपी भारत सरकार ने लागू कर दी उस पर गारंटीड कानून बना कर दे दो, उसके कम पे सरकार को जितना खरीदना हो खरीद ले, लेकिन बाजार उससे नीचे पे खरीद ना करे, ये लड़ाई हमारी है। किसान एकता, ये लड़ाई लंबी चलेगी, 8 महीने कोई ज्यादा नहीं होता, 8 महीने का क्या टाइम हो, अभी जब देश की आजादी लड़ाई हुई वो 90 वर्ष चली, अभी तो 8 महीने हुए, 30-35 साल पहले लगा लो, 8 महीने से अब हुआ। हमने भी कह दिया कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से अगर प्रेस 8 दिन दिखा दे तो 8 दिन में जनता इनका इलाज कर देगी, सरकार का नहीं दिखाती, हमारे खिलाफ
सरकार, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी सब खिलाफ है, क्योंकि विपक्ष वाले भी नहीं बोलते भाई, विपक्ष वाला भी नहीं बोल रहा, कोई हाउस में बोलता नहीं, पता नहीं क्या चोटी भर रखी उन्होंने इनका, हाथ पा तो मारने चाहिए ना। अब कहा इनको चिट्ठी लिख के दी विपक्ष वालों को भी, हाउस चलेगा वहां हाथ पा हलाना बिल्कुल, बाहर हम रहेंगे अंदर आप रहो। ये भी तो करक रहे थे पहले जब ये विपक्ष में थे बीजेपी वाले, तो बहुत महंगा था रख रहे थे गैस के सिलेंडर, सिर से नीचे तारा ही नहीं उन्होंने सब्जी बैंगन गले में गाड़ कर रखे, कुर्ते काट कर रखे, इनके तो फोटो है भाई। आप इनका कुछ काम बताओगे तो अपने आप भी तो कुछ हाथ पा लाओ। अब खाली तुम भी ये देखो, हम तो घिना मना देंगे, आप चुगने का उसको तो काम बता रहा। अब वो भी काम यही सोचो के जैसे अब हुआ, जब अब इलेक्शन में हो रहा, इन्हें पता क्या कहा अधिकारियों ने, इन्हें कहा जी बीजेपी वाले वोट बेटे में पैसे भी हमें देने पड़े, इनकी वोट खोज कर भी हमें जानी पड़े, गाड़ियों के शीशे भी पुलिस को तोड़ने पड़े, ये कुछ नहीं करते, कम करें काम। और कह लेंगे दूसरे वाला भी होते हमें पता ही नहीं चला था कब लेंगे। अपने भाई भी अपने हला लो, हमारा तो आंदोलन चल रहा है, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमें तो इलेक्शन लड़ना नहीं, हमें तो करना संघर्ष। हमने बार बार कहा यहां पे गन्ने की बेल्ट है पूरी तरह की, हमने कहा कि मायावती ने 2 साल अपने कार्यकाल में 80 रुपये गन्ने का बढ़ाया, हमने उनको बता दिया, उन्होंने हमारी बात को मान लिया, उन्होंने 80 रुपये बढ़ा दिया। गुलाम सिंह अखिलेश यादव ने भी 50 रुपये बढ़ा दिए, जब उनको बतावे कम मत बढ़ाना, नहीं तो नारे मायावती के लगेंगे, तो उन्हें भी 40-50 रुपये बढ़ा दिए। अब योगी जी उनसे कमजोर थोड़ा है, दोनों से ये उनसे कमजोर है, उनसे तो मजबूत है पूरे, ज्यादा सीटें आई भाई, जितनी ज्यादा सीटें आई उतने ज्यादा गन्ने का भाव बढ़ा दे, कम से कम 80 रुपये के आसपास बढ़ना चाहिए, लास्ट साल है भाई, वो आ रहे हम उनका भी नाम लिया करेंगे, फिर आगे जिसकी सरकार आ जाएगी फिर उसे कहेंगे अब अपने कार्यकाल में इतनी तुमने बढ़ाया, हमें नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा, नाम सब करेंगे, जो जितना काम करेगा उतना ही उसको प्रसादा मिलता रहेगा भाई, काम करता रहो प्रसादा चखता रहो। तो ये मामला है कि वापसी तो हम वहां से आएंगे नहीं भाई, वापसी नहीं आना। और इलेक्शन में आपने देखा ये जो कुछ हुआ, ऐसा इलेक्शन नहीं देखा, हेरा फेरी रोड़ा रुकी तो डरा लो कोई तो हो जाकर थी पहले भी, लेकिन आपका तो एक तरफ आ कि न किसी को पर्चा दिया, ये आपका ठीक हुआ तुम जीत के कहीं आ जाइयो, ये कह जी धर्मांतर चल रहा जी, धर्म परिवर्तन हो रहे जी ना, फुलवंतर चल रहा भाई देश में, वो 20 रुपये का पट्टा जावे तू जीत का आ जा कहीं से भी, पट्टा तेरे गले में हम गिरेंगे आज, वो पट्टा दे रहे हैं। और यहाँ फोटो खिंचवाया कह देगा ये तो मारा हो गया, जनता कह रही थी गए तो इसे हमने वोट नहीं कर लिया ना, अब ये मारा हो गया, मतलब जबरदस्ती। पहले किसी पार्टी की कोई विचारधारा होती थी कि भाई किसको लेना नहीं लेना, ये बेईमान है, अब क्या पता भाई जो उनसे जीत गए सारे ईमानदारी थे क्या, कोई बेईमान भी होगा, कोई किसी पे मुकदमे भी दर्ज होंगे, ऐसा क्या ये जीतो तो कहीं से किसी बेईमान नहीं थे, लेकिन आप इसे पकड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, कह ये मारा होगा हमने जीत ली 95% हम जीत कर ली, जनता ने वोट दी नहीं 95% जीत दिया, हमारे तो इन मामलों से खैर वोट वाले का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी जा रहे हम तो कल पीलीभीत में जाएंगे, मगर भाई मिलते हुए चले जाना, जब निकल रहे टाइम है तो प्रेस के लोग से बात कर लेंगे। और अपना भाई नोड़ा रुख का इलेक्शन हो लिया जा लिया, अपना ठीक ठाक रहो, जो हार होगी किसी की जीत होगी, अपना करो काम, आपका अपना भाई ध्यान रखना, और अपना आंदोलन पे भी ध्यान रखो, अपने खेत पे ध्यान रखो और अपने आंदोलन पर ध्यान रखो, दोनों चीजों पर ध्यान रखोगे तो ये देश बचेगा, ये किसान बचेगा, ये नौजवान बचेंगे, ये दुकानदार बचेंगे। एनएच पे जिसने भी जमीन खरीद रखी, एक कानून आ रहा अभी, नेशनल हाईवे पे आप चाय का खोखा भी नहीं अब खोल सकते, ना पेंचर की दुकान कर सकते,
कॉमर्शियल एक्टिविटी आप वहां पे नहीं करोगे। अगर वे तोड़ा नहीं है पुलिस, ये पुलिस तोड़ेगी, आपने खोखा बना दिया पुलिस तोड़ेगी ना, जो भी खसरा नंबर होगा उसको गांव समाज में वो चला जाएगा, नीत हो जाएगा गांव समाज में, फिर लड़ते फिर जमीन मेरी, गांव समाज कहेगा गांव का प्रधान नारा, ये तो गांव के काउसमारी, ये तो गांव समाज की। तो इस तरह के कानून आने सारा व्यापार जाएगा देश का, देश को बढ़ाना चाह रहे ये गरीब, देश रहे रोटी अगर किसी को मिल जाएगी तो कहेगा मेरा विकास हो गया। हालात ये होंगे, आपने देख भी लिया होगा भाई, देश कमजोर हुआ या बढ़ा आप अपने घर में लगा लो। मैं मेरी प्रॉपर्टी के क्या रेट थे, मेरी पहला आमदनी क्या थी, मेरी आमदनी अगर घटी तो देश भी घटा, मेरी आमदनी अगर बढ़ी तो देश भी बढ़ा, आप अपने आप हिसाब लगा लेना कि हमारी प्रॉपर्टी बढ़ी या घटी। तो यही देश का हाल है, देश नीचे जा लिया गड्ढे में जा दिया देश। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मामला है भाई, अपने को ध्यान दे के बच के, ये उलझम पुलझा रहेगी पुलिस धारे साथ में कुछ करोगे, उनसे बचना भी आपको, और अपना निगाह भी रखो, अपना कहा क्या क्या करना उसकी निगाह भी रखना, आंदोलन पे भी निगाह रखना। वहां से हटे लेकिन इनकी कोड़ी भर रखी, अच्छा पतंग कितने लोगों ने उड़ाई बताओ, आठ आओ उसी को तो जवाब दूंगा, जो उतना पतंग उड़ाई जिसने नहीं उड़ाई उसे क्या बताऊंगा, उड़ाई नहीं क्या किसी ने, आठ आओ पहले उड़ा रखी, अभी तक उड़ा रहा है। देखो जो लोग पतंग उड़ावे थे जब पेंच लग जाते तो जो पहले ठावगा वो कुटागा। हमने इनकी भर रखी कोड़ी, हमें इनकी कोड़ी छोड़ दी नहीं, ये नहर में कुछ तो ये कहीं कुत्ते ने छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, रीछ की कोड़ी भर की ना रीछ छोड़ता ना यार भी छोड़ता, तो वही इनकी कोड़ी भर की छोड़ दे, हमें नहीं इलाज इनका पक्का करेंगे, इलाज है इनका गामू में, गामू में होगा इनका इलाज। तो अपना ध्यान रखो, अपना काम करो, आंदोलन में भी ध्यान रखो, और एक अभी बोल कर गए थे भाई यहाँ कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, वे संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, हमारा अभी कंपटीशन नहीं किसी से, लड़ाई लड़ने तो जो चालक हुई था, पूरा देश बहुत लंबा है, मतलब थक लगा आदमी भागता भागता वैसे ही जान दो, जो चालक जा रहे हाँ बहुत बड़ा कुनबा है, तो इकट्ठा कर रहा महाभारत है, कोई अब आएगा कोई दस दिन बाद में आएगा, कोई बिहार जाएगा, कोई उत्तराखंड आएगा, कोई उत्तर प्रदेश जाएगा, कोई मध्य प्रदेश जाएगा, ये तो बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत लोग चाहिए, 40 लोग संयुक्त मोर्चे में हैं जो कमेटी में हैं, वे सब मजबूत लोग हैं, आपस में तालमेल सबका ठीक है, तो देश की भारत सरकार को कोई कमजोर कड़ी हमारे 40 लोगों में नहीं मिल रही, ये कोई कमजोर कड़ी नहीं है। आप लोगों को विश्वास बनाए रखें, आपकी जीत होगी, देश के किसान की जीत होगी, देश के नौजवान की जीत होगी, देश के मजदूर की जीत होगी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।